हिंद खेत मजदूर पंचायत द्वारा 8 सूत्री मांग पत्र बीडीओ को सौंपा। जवारी घाट पुल बनाने की क्या मांग। श्रमिकों कामगारों की समस्याओं को लेकर केनगर प्रखंड मुख्यालय में हिंद खेत मजदूर पंचायत द्वारा एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में मजदूर कामगारों ने धरना के माध्यम से अपनी समस्या सरकार तक पहुंचाने की मांग पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा। वहीं हिंद खेत मजदूर पंचायत के सचिव मोहम्मद शमीम ने बताया, देश में श्रमिकों के साथ हो रहे शोषण अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोरोना महामारी के कारण बड़ी संख्या में श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। आर्थिक तंगी भूखमरी के चलते श्रमिकों का पलायन दूसरे राज्यों में हो रहा है, जिसके चलते दूसरे राज्यों में श्रमिक दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। मनरेगा योजना में श्रमिकों को काम नहीं मिल रहा है। बिहार भवन एवं सन्निमान कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजनाओं से श्रमिक वंचित हो रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ समय पर नहीं हो रहा है। इन सभी समस्याओं के साथ 8 सूत्री मुख्य मांग यह है, 1 श्रम विरोधी 4 नए लेबर कोड को वापस लिया जाए, निजीकरण पर प्रतिबंध लगाया जाए, ठेकाकरण को बंद किया जाए, सामाजिक सुरक्षा कानून पूर्ण रूप से लागू किया जाए, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एवं विकलांगता पेंशन को बढ़ाकर 2500 रुपया किया जाए, मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी 400 रुपये प्रति हाजिरी दिया जाए, बिहार भवन एवं सन्निमान कर्मकार कल्याण बोर्ड के योजनाओं में निबंधित श्रमिकों को सभी योजनाओं का लाभ मुहैया कराई जाए, निबंधित श्रमिकों को आयुष्मान योजना के अंतर्गत जोड़ा जाए, गरीब भूमिहीन श्रमिकों को घर बनाने के लिए 5 डिसमिल जमीन दी जाए एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनवाया जाए, के नगर प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली जवारी घाट पर पुल तुरंत बनाया जाए। आइए देखते हैं धरना स्थल पर लोगों ने क्या कहा। क्या किस चीज को लेकर आज आप लोग बैठे हैं? आज ये भारत बंद है, राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन है हम मजदूरों का। हमारे मजदूर भाइयों के लिए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान दिया और संविधान के तहत कानून दिया, वह हमारे भारत सरकार के द्वारा वह कानून को, वह नियम को समाप्त करके यह 4 काला कोट लाया है और यह ठेकेदारी कानून लाया है। यह हमारे मजदूर के हित में नहीं है, यह हमारे मजदूर के विरोधी हैं और हमारे मजदूर विरोधी यह कानून है और यह मजदूर विरोधी यह सारे नियम लाए हैं, इनके विरोध में हम लोग आज आंदोलन पर हैं। आप लोगों की क्या मुख्य मांग है? हमारी जो मुख्य मांग है यह है, हमारा सबसे पहले जो हमारे श्रम विरोधी नए लेबर कोड को वापस लिया जाए, और दूसरा मांग है निजीकरण पर प्रतिबंध लगाया जाए, तीसरा है ठेकेदारी को बंद किया जाए, चौथा है सामाजिक सुरक्षा कानून जो पूर्ण रूप से लागू किया जाए, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एवं विकलांगता पेंशन को बढ़ा करके जैसे हरियाणा में और पंजाब में 2500 रुपया वृद्धा पेंशन है, विकलांगता पेंशन है, विधवा पेंशन है, उस तरह से हमारे बिहार में भी लागू हो। और इतना ही नहीं, मनरेगा श्रमिकों की जो मजदूरी है वह 198 रुपया है, इनको बढ़ा करके हमारा 400 रुपया मजदूरी किया जाए। 198 रुपया में इतनी महंगाई के तौर में आप जान रहे हैं कि अभी पेट्रोल डीजल आसमान पकड़ चुकी है, भाड़ा आसमान पकड़ चुकी है। 1 किलोमीटर अगर हम रिक्शा से चलते हैं या ऑटो से चलते हैं तो 1 किलोमीटर में हमारा 10 रुपया लिया जाता है। इस महंगाई में क्या ये 198 रुपया से हमारा पेट भरेगा? नहीं भरेगा। और इतना ही नहीं, बिहार भवन एवं स्व निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड योजनाओं में निबंधित श्रमिकों को सभी योजनाओं का लाभ मुहैया कराया जाए, निबंधित श्रमिकों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जोड़ा जाए। 7वां मांग है, गरीब भूमिहीन श्रमिकों को घर बनाने के लिए 5 डिसमिल जमीन हर हाल में मुहैया करवाया जाए। 8वां मांग है
के नगर प्रखंड को जोड़ने वाली ये झवारी घाट पर तुरंत पुल बनाया जाए, ये हमारी 7 मुख्य मांग है। इसमें से एक मांग जो आपका है वो 3 डिसमिल जमीन के बारे में, तो वो तो कार्यक्रम चल रहा है, वीडियो साहब कई पंचायत में कर भी रहे हैं, किसी लाभुक को मिला भी है, तो आपकी पंचायत की क्या स्थिति है, आपकी प्रखंड की क्या है, आपको किन्हीं को मिला है क्या? हमारे पंचायत में वो पहले तो लाल कार्ड बंटवारा हुआ था, लाल कार्ड बंटवारा हुआ था, लेकिन आज अगर धारतलाव पर जाइए तो वो सारे के सारे लाल कार्ड फेल हैं, सारे के सारे जमींदार अपना जमीन जोत रहे हैं, और हमारे जो मजदूर के बीच जो जमीन मुहैया कराया गया था वो सारे जमीन छीन रहा है। ये किसके तत्वाधान में हो रहा है? ये हिंद खेत मजदूर पंचायत ट्रेड नेशनल यूनियन के तत्वाधान में हम लोग। पूरे बिहार में हो रहा है कि बस अपने पूर्णिया में? नहीं, ये पूरे देश लेवल पर हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय। हाँ, ये बताइए कि आपका जो मुख्य मांग है आज आप प्रखंड विकास पदाधिकारी को दे रहे हैं जी, इसको लेकर सभी प्रखंडों में इसका आयोजन किया जा रहा है? किसी किसी प्रखंड में नहीं भी हो रहा है जहां के लोग जागरूक नहीं है, लेकिन सभी जिला में हर हाल में हमारा कार्यक्रम हो रहा है। ये जो पुल का मांग आप कर रहे हैं इसमें कितने आबादी, कितने लोग इसमें निर्भर है? लाखों लोग इनसे रोज जो है 40-50 हजार की संख्या में लोग आन जान करते हैं इस रास्ते से। कौन कौन ऐसा पंचायत उससे जुड़ा हुआ है? इससे नंबर 1 तो झुन्नी स्तंभरार पंचायत, नंबर 2 बेला रिकाबगंज, नंबर 3 झुन्नी कला, गढ़िया बलवा, जगेली, हंसेली और कस्बा प्रखंड के भी कुछ लोग आते हैं, जो मोहनी पंचायत है और कई पंचायत हैं कस्बा प्रखंड के। इस पुल का निर्माण को लेकर वहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनसे आप लोगों ने कभी? विधायक और सांसद से हम लोग थक चुके हैं, जैसे कि हमारे पप्पू सिंह पहले था सांसद, उनको भी हमने कई बार आवेदन दिया, उनका भी मेरे पास प्रूफ है, और संतोष कुशवाहा की तो औकात नहीं है कि मेरे सामने वो खड़ा होकर के बात कर ले। मेरे साथ उन्होंने 2 साल का जवान किया था, लेकिन 10 साल हो गया, वो आज तक उसका हिम्मत नहीं है कि मेरे क्षेत्र में आकर के वो भाषण दे देगा या सभा कर लेगा। वादा खिलाफी किया? हाँ। आपका अभी मुख्य मांग यही 7 है? हाँ। आज आपका धरना प्रदर्शन के साथ पैसा बंद किया है, ज्ञापन सौंपेंगे? हाँ। और इतना ही नहीं, लेसी सिंह को भी मैंने आवेदन दिया, अशफाक आलम को भी दिया, कलेक्टर को भी, पूर्णिया कलेक्टर को भी दिया गया है, हमारे बिहार का जो मुखिया है उनको भी दिया गया है, हमारे जो देश का मुखिया है उनको भी मैंने आवेदन दिया है, ये सभी कमिश्नरों को भी दिया गया है, मैंने कोई भी विभाग बाकी नहीं है जो कहे कि हमें इसका आवेदन नहीं मिला है, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं, इस पर सुनवाई नहीं हो रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, ठेकाकरण, निजीकरण, लेबर कोर्ट, इतने चीजों का आप खिलाफ में आज बैठे हुए तो चर्चा भी कर रहे हैं जी, तो क्या इसका निजीकरण जो हमारा भारतवासी है उसके लिए लाभकारी है कि नुकसान है? वह एक भी कानून जो है हमारे मजदूर के हित के लिए नहीं है, जरा सा भी हित के लिए नहीं है, हमारे मजदूर के लिए 100% वो गर्हित का बात है, और हमारे मजदूर पर जो है कि गुलामी का प्रतीक है वह, इसका विरोध करते हैं जी। हाँ। क्या परिचय है? मैं दिनेश शर्मा, हिंदखेत मजदूर पंचायत ट्रेड नेशनल यूनियन फील्ड ऑर्गेनाइजर पूर्णिया। आप लोग 7 सूत्री मांगों को लेकर के नगर प्रांगण में बैठे हैं, क्या लगता है कि इस पर सरकार और प्रशासन सजग हो जाएगी? ये राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल इसीलिए हम लोग पूरे देश में कर रहे हैं, ये जो हमारा जो भारत में जो 8 नेशनल ट्रेड यूनियन है वो पूरे देश में आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किए हैं, 28 और 29 दोनों दिन है, और हम लोग कल पूर्णिया में भी किए थे, और पूरे देश में ये आज चल रहा है, क्योंकि मजदूर के साथ जो हम लोग का जो मांग है, यहाँ मजदूर बहुत ज़्यादा बेरोजगार हो रहे हैं, और जो ठेकेदारीकरण है, जो निजीकरण है, जो मशीनीकरण है, इसके चलते मजदूर का बहुत ज़्यादा जो है बेरोजगार हो रहा है। मजदूर जो ठेकेदारी है, ठेकेदारी में मजदूर को सही वेतन नहीं मिलता है,
मजदूर ठेके का ठेकेदारी के पीछे पेटी कॉन्ट्रेक्टर होता है, फिर मुंशी मैनेजर होता है, मजदूर काम करता है और उसका पैसा बहुत शोषण होता है। तो इसलिए हम लोग ठेकेदारी प्रथा का जो है हम लोग विरोध करते हैं कि ये ठेकेदारी प्रथा नहीं होना चाहिए। मजदूर से 8 घंटा के बजाय 14-14 घंटा काम लिया जा रहा है, तो ये जो है बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है मजदूर के साथ। हम चाहते हैं ये ठेकाकरण बंद हो। निजीकरण के चलते जो देश में अभी बेरोजगारी भयावह रूप से फैल गई है, इसको रोकने के लिए कोई अथी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो निजीकरण हो रहा है वो उसमें बाहर का जो लोग जो है, बाहर का जो पैसे वाला है, पूंजीपति है, वो अपना पूंजी लगा रहा है और हमारे देश के मजदूरों को वहाँ पर शोषण कर रहा है, काम ठीक से नहीं करा रहा है, उसका सामाजिक सुरक्षा नहीं दे रहा है, दुर्घटना में मर जाता है, उसको नहीं मिलता है। अभी जो है केरल में हमारा 8 को मजदूर मर गया, कटिहार का था, जो कही जो सरकार की तरफ से 4 लाख रुपया आपदा के तहत तो दिया गया है। हाँ, वो सब जो है अभी नहीं दिया है, मगर उस पर कार्रवाई हो रहा है। अभी यहाँ पर सबूतर का भी एक लेबर मरा है, अकबर नाम है उसका, वहाँ उस वो भी एक्सीडेंट में मर गया है, उसका भी अभी जांच पड़ताल वगैरह हो रहा है। मगर सरकार जो है कागज़ इतना पेचीदा बना दिया है कि मजदूर जो है भाग जाता है कि छोड़ो, हम इस स्कीम का लाभ नहीं लेंगे। अब ये लॉ मोर आप लॉ थाना का रिपोर्ट नहीं है तो आपको पेंशन आपका वो नहीं मिलेगा, आपको FIR नहीं है तो वो नहीं मिलेगा, आपको मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है तो वो नहीं मिलेगा। मतलब कई तरह का कागज़ का जो उलझन है, आप वहाँ जहाँ मरा है आप वहाँ मजदूर जा करके वहाँ से मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना संभव नहीं होता है, और वहाँ पर जो है आपका जहाँ हॉस्पिटल में मरा है मजदूर वहाँ पर जो FIR देने में वो सब बहुत परेशान करता है। तो गरीब आदमी कैसे वहाँ से निकाल सकता है, वहाँ भी पैसा मांगता है, 10,000 रुपया दीजिए तो मृत्यु प्रमाण पत्र बना देंगे। तो इस तरह से बहुत सारा मजदूरों के साथ जो शोषण हो रहा है, खास करके हम लोग जो भारत देश में जो एक नया कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड बना है पूरे देश में, और कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड में बहुत ज़्यादा जो हमारे यहाँ अपने बिहार में 19,000 आदमी जो है उसमें जो है अभी हो गया है, रजिस्ट्रेशन है, मगर उसको लाभ नहीं मिला है। स्वास्थ्य के नाम पर 3,000 रुपया दिया है, इसके बाद एक भी लाभ कंस्ट्रक्शन वर्कर को नहीं मिला है। हम मांग करते हैं उसमें जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए उसमें घर बनाने के लिए पैसा का प्रावधान है, उसमें बेटी का शादी के लिए प्रावधान है, उसमें जो है कोई दुर्घटना हो गया, विकलांग हो गया, विकलांगता पेंशन का है, तो वो सारा जो उसमें 14 प्रकार का योजना है कल्याण बोर्ड में, वो कल्याण बोर्ड एक जो है सफ़ेद हाथी की तरह यहाँ पर है और इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। लेबर ऑफिस में आपको हम बता दें, यहाँ का जो श्रम अधीक्षक ऑफिस है वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है मजदूर के लिए, कोई मजदूर का सुनवाई का कोई जगह नहीं है। वहाँ पर आप जाइएगा तो आपका लेबर कार्ड का रेनुअल नहीं होगा। ये जो कल्याण बोर्ड का जो है इसको हर साल 5 साल में रेनुअल होता है, वहाँ कहेगा कि यहाँ अभी रेनुअल नहीं होगा, 2 साल से रेनुअल नहीं हुआ है। जो लेबर इंस्पेक्टर का हाथ का होता है वो हो रहा है, जो श्रम अधीक्षक जो यहाँ पर वो जो बन्हा कर चला गया, जेल चला गया है, तब से यहाँ पर मजदूर का कुछ नहीं होता है। आप लोगों का मांग है कि इसको सरल किया जाए। हाँ, इसको जो है ना ये जो व्यवस्था ये जो है जो पेचीदा मामला है, इसको जो मजदूर को सरल किया जाए ताकि उसको आसानी से इसका लाभ मिल सके, और ये जो है हमारा मजदूर को जो है उसका सही सही लाभ मिले। अभी जो है देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, मजदूरों के लिए जो है काम छीना जा रहा है। अभी मनरेगा में भी मजदूर जो है काम नहीं मिल रहा है, रातों रात जो है मनरेगा में क्या होता है, वो जो GVC से रातों रात वो गड्ढा बना लेता है, सड़क भर लेता है, और मजदूर का जो जाली जो है नकली जो है फर्जी वो जो है बना करके मास्टर रोल बना करके और पैसा उठा लेता है। इस तरह का बहुत सारा धांधली है जिसको सुधारने की ज़रूरत है। मजदूर में हम लोग एकता लाने के लिए हम लोगों ने यूनियन सबको मेंबर बनाया है, और ये 1988 से हमारा यूनियन चल रहा है, ये यूनियन आज से नहीं है, बहुत जमाने से चल रहा है, और कई हम लोगों ने मनरेगा के लिए लड़ाई लड़ा था। ये जो आपका यूनियन है ये हर बुरे वक्त में मजदूरों के साथ खड़ी रहती है। जी, जहाँ भी मजदूर का कोई घटना हुआ, दुर्घटना हुआ, परेशानी हुआ, तो वहाँ पर हम लोग जाते हैं और उसका परेशानी को सुनते हैं, और श्रम विभाग में हो या जहाँ BDO साहब के यहाँ हो,
तो हम लोग उसको लेकर जाते हैं। मगर अभी जो माहौल आप देख रहे हैं, कहीं भी बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा है। जो इतना बड़ा धांधली इतना बड़ा हो रहा है, मजदूर के शरीर में पानी बचा है, खून नहीं है शरीर का। अभी जो कुपोषित मजदूर हो रहा है, खाने के लिए उसको नहीं मिल रहा है। जो राशन मिल रहा है वो भी राशन ठीक नहीं मिल रहा है, उस पर जो है मजदूर वो राशन नहीं खा पाता है। तो राशन भी मजदूर को मिलना चाहिए, तो वो अच्छा राशन मिले ताकि वो खा सके। अगर वो चावल आप कहीं जानवर के पास भी रख दीजिएगा, वो जानवर नहीं खाएगा। तो ये सब को भी सरकार को ठीक ठाक करना है। राशन देने के नाम पर मजदूर को कहता है कि हम तुमको खाना दे रहे हैं, मगर क्या 4 किलो अनाज देने से पूरे महीना में उसका जीवन नहीं चल सकता है। इसलिए हमारा मांग है कि ये जो राशन का है इसको भी बढ़ाना चाहिए, और जो पेंशन है, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, इस पर जो है 400 रुपया दे करके मजदूरों को, गरीबों को अपमानित करने का काम कर रही है सरकार। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। 400 रुपया दे करके आप क्यों अपमानित कर रहे हैं? तो जैसा जितना दीजिए कि उसका कम से कम खाना पानी चल सके, सम्मानजनक हो। और इसी तरह से जैसे दिल्ली में एक सम्मानजनक 2500 रुपया वहाँ पेंशन मिल रहा है। अभी जो पंजाब में भी अभी सरकार बना है, वो भी घोषणा किया है कि हम हर गरीब आदमी को पेंशन जो है हम तो होना चाहिए। इसलिए मजदूर को जो है हमेशा जो है उसका जो शोषण हो रहा है, उसके साथ जो अत्याचार हो रहा है, वो बंद होना चाहिए और पूरी तरह से बंद होना चाहिए। नहीं तो ये हमारा यूनियन जो है आंदोलन करेगी और हम लोग कमिश्नर का भी घेराव करेंगे अगर हमारा मजदूर का मांग पूरा नहीं होता। व्यापक रूप से हम इस आंदोलन को व्यापक बनाएंगे। हमारा नाम मोहम्मद सहीम हुआ, हम हिंद खेत मजदूर पंचायत के सेक्रेटरी हैं और अभी पूर्णिया जिला से हम आए हैं।